हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर वन पर। जितने भी पॉलिटेक्निक 2022 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, उनका एडमिट कार्ड कल की डेट में रिलीज होना था, यानी कि संडे से ऑनलाइन जारी किए जाने थे आप लोग के एडमिट कार्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कल की डेट में आप लोग के एडमिट कार्ड नहीं हुआ। क्या आपके जो एग्ज़ाम है, जिकअप द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम है यूपी पॉलिटेक्निक का, क्या वो पोस्टपोन कर दिया गया है? तो आज की पूरी वीडियो में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर आप लोग का क्लियर करेंगे, एक एक डाउट क्लियर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोग को किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती है जीकब से रिलेटेड, काउंसिलिंग रिलेटेड, सब कुछ करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आप लोग का एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुआ। तो आप लोग का एडमिट कार्ड कुछ बोर्ड के प्रॉब्लम इशू होने के कारण, टेक्निकल इशू होने के कारण आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं जारी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, हम जीकब के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर अभी कोई भी लिंक नहीं दिख रही है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो आप लोग को बता दें, अब आप लोग का एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हुआ है? तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पोस्टपोन हुआ है। अब आप लोग का एग्ज़ाम जो 6 से 12 तारीख के बीच में कंडक्ट था, वो उससे ज़्यादा डेट बढ़ गई, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में अब आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है, आप लोग को प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।